हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दिवाकर। मैं दिवाकर सुनील स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं, वो भी मात्र 5 मिनट में। तो दोस्तों, मैंने सीवी को जो है अलग अलग जगहों से कंटेंट इकट्ठे करके एकदम प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव सीवी बना ली है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे और कहां पर क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर आप भी चाहते हैं प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव सीवी बनाना बहुत ही जल्द, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे सबसे पहले अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसे ओपन कर लेना है अपने पीसी में। तो दोस्तों, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे, तो मैंने जो सीवी बना ली है, तो मैं आपको पूरा सीवी का फुल पेज दिखा देता हूँ कि सीवी आपको कैसे कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, मैंने सीवी को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीवी होती है वो सिर्फ एक पेज में पूरी कंप्लीट सीवी आपको बनानी है। इसलिए आपको कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखना है जिससे कि आपका जो पेज है वो भर जाए, आपको दूसरे पेज पर जाना पड़े। तो दोस्तों, सीवी ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि वो पूरा मैटर एक ही पेज में आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है। अगर आप चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं नेम की, वरना आप अपना डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपना नाम लिख दिया है। आप चाहें तो इसका फॉन्ट और भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मैटर के हिसाब से। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप अपने जो फॉन्ट है उनको साइज में बड़ा रख सकते हैं। अगर आपका मैटर थोड़ा ज़्यादा है, कुछ डिग्री वगैरह आपके पास ज़्यादा है, तो आप इसको छोटा ही लिखें। तो दोस्तों, मैंने इसका जो फॉन्ट है वो 20 यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका जो मैंने फॉन्ट है, स्टाइल है, वो मैंने ब्लैक, एरियल ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से हेडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो हेडिंग्स हैं वो सारी 14x14 की ली हुई है साइज में, और सबका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैंने एरियल ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली ये जो डिटेल भरनी है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, वो आपको जो ये टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सबका साइज दोस्तों मेरा 14 ही है, सिर्फ हेडिंग्स का जो है वो 16 है। नेक्स्ट वाली जो हेडिंग्स है सारी, इनका जो साइज है वो दोस्तों 16 है साइज। और सबका जो फॉन्ट स्टाइल है वो दोस्तों एरियल ब्लैक ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा और जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सीवी मैंने बनाई है। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति आपकी इस सीवी को देखेगा, तो उसको सबसे पहले जो है आपका पूरा एड्रेस और नेम और कॉन्टेक्ट नंबर सबसे पहले उसको दिख जाएगा। उसके बाद वो आपकी डिटेल को आसानी से पढ़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता हूँ कि आपको कैसे एक अट्रैक्टिव सीवी बनानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है वो है कैरियर ऑब्जेक्टिव की। यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपका जो अपने कैरियर के बारे में आपको बताना होता है, जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं उसको थोड़ा मतलब ऐसा बताना पड़ता है कि वो आपके जो सीवी देखकर वो आपसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्प्रेशन देना होता है अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से आपकी जॉब है। अगर आप कमर्शियल कहीं पर करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड, या अगर आप कहीं डॉक्टर वगैरह की प्राइवेट जॉब्स होती हैं वहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी अपना इम्प्रेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप जो है एजुकेशन एक्सपीरियंस आपको जो है लिखना पड़ता है सेकंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जब सेकंड ऑप्शन में एक्सपीरियंस की हेडिंग डालते हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है, यहाँ इंसर्ट पर चले जाना है आपको। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से जो है ये टेबल है, यहाँ टेबल सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पास जितनी डिग्रियाँ हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। मैंने 10th और 12th ही सिर्फ सिलेक्ट की हुई है। दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर और भी बढ़ा सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कॉलम बना लेने हैं इसी टेबल से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपना क्लास और बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम और पासिंग ईयर और परसेंटेज, तो दोस्तों इतना जो है आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल, अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी स्किल आपके पास है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। मैंने नॉर्मली लिख दी हुई है एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, टाइपिंग, और मेरा ओ लेवल भी 6 मंथ का कंप्लीट है, तो वो भी मैंने लिख दिया। इंटरनेट, ये सब मुझे मेरा कंप्लीट। तो दोस्तों, आपको वही डिटेल फिल करनी है जो आपके पास अवेलेबल है, आपको फालतू का नहीं फिल करना है। जैसे मुझे एमएस एक्सेल अभी नहीं मेरा कंप्लीट है, तो मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि
एक नोट लिखना होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये जो आप सारी डिटेल फिल कर रहे हैं वो एकदम सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ वही फिल करें जो आपको आपके पास अवेलेबल हो, ये नहीं कि आपने कोई कोर्स नहीं किया और उसको आप यहाँ पर फिल कर दें। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ती है कंप्यूटर स्किल के बाद। यहाँ पर आप फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी, मार्क्स, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन। तो दोस्तों आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप रिलीजन नहीं लिखना चाहते हैं तो उससे कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन इतना आपको सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना होता है। डिक्लेरेशन में दोस्तों यही बताया जाता है कि जो ये आपने ऊपर जितना भी स्टेटमेंट दिया है वो सब बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन में दोस्तों आपको ये बताना रहता है कि आपने जो ऊपर सारी डिटेल दी हुई हैं वो सभी एकदम सही से ही आपने फिल की हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये लिख देना है, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट स्टेटमेंट मेड इन दिस डॉक्यूमेंट आर ट्रू एंड द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। तो दोस्तों इतना आपको सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट की हेडिंग डाल देनी है और प्लेस की हेडिंग डाल देनी है। यहाँ पे आपको डेट और प्लेस नहीं फिल करना है क्योंकि ये सीवी आप जिस भी डेट को सबमिट करें अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर उसी डेट को फिल कर दें और प्लेस को फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपना नाम फिल करके इस साइड में इसको कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसको चेक कर लें, अगर आपका एक पेज में ये इतना कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप इस पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल एस। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे पैटर्न दोस्तों ये देख सकते हैं आप दिए गए हैं। अगर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो जिससे भी आपका पूरा मैटर एक पेज पर कंप्लीट आ रहा हो आप उसी मैटर को सेलेक्ट कर लें उसी फॉन्ट को, और दोस्तों आप एक ही पेज में इसको बनाएं। आप इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉन्ट का साइज और छोटा कर करके इसको एक ही पेज पर बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी डिजिटल वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।